तो दोस्तों कूपर बेंटन सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें किसी भी मशीन को कंट्रोल करने की एक खास एबिलिटी थी, और जब भी बेंटन सीरीज में बहुत बड़ी मुसीबत आती थी तब इस कैरेक्टर की एंट्री होती थी। फिर चाहे वो बेंटन क्लासिक का लास्ट एपिसोड हो, बेंटन एलियन फोर्स में हाइब्रिड से लड़ना हो, और बेंटन अल्टीमेट एलियन में केविन 11 को मॉन्स्टर से इंसान बनाना हो, कूपर ने हर टाइम बेंटन की मदद की है। और आज की वीडियो में हम आज कूपर की ओरिजिन स्टोरी समझने वाले हैं, और आज की वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं क्यों कूपर को एलियन फोर सीरीज में मोटा और बोना बनाया और बाद में उसे ठीक कर अल्टीमेट सीरीज में एक हैंडसम लुक दिया। पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, और छोटा भाई समझ के सर एक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो चलिए बिना कूपर की टांग खींचे कूपर की ओरिजिन स्टोरी पर नजर डालते हैं। और मैं तुम्हारे साथ प्रीमियर पर जरूर चलना चाहूंगी। कूपर ग्रैंडपा मैक्स के बलंबर दोस्त का एक बेटा होता है, और इसी वजह से उसमें मशीनों को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। कूपर की फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिलती है, जहां पर इसने एक अहम रोल निभाया था। फिर कूपर सीधा हमें एलियन फोर्स में देखने को मिलता है, जहां एलियन फोर्स में कूपर हमें बोना और मोटा देखने को मिलता है, जो कि भाई मैं मैनोफैक्चरिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इसी बीच कूपर ग्वेन को पसंद भी करता है, पर अपने कद और मोटेपन की वजह से ग्वेन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद कई महीनों की कड़ी मेहनत से कूपर हमें बेंटन अल्टीमेट सीरीज में देखने को मिला। एंड में ओमनीवर्स सीरीज में कूपर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जो कि मैन ऑफ एक्शन की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बेन 10 ओमनीवर्स में ऐसी कई सिचुएशन थी जहां पर कूपर हो सकता था, पर मैन ऑफ एक्शन ने ऐसा नहीं किया और अपना कटवा गया, और ये कहीं कहीं सही भी हुआ, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर को बैड से बैड लुक में देखा है। और अगर ओमनीवर्स सीरीज में कूपर होता तो उसका सबसे बेकार लुक मैन ऑफ एक्शन बनाकर ही छोड़ते, और रिबूट सीरीज को तो रहने ही दो, उसका एक अलग ही टाइमलाइन लफड़ा है तो हम उसके बीच में नहीं पड़ते। तो गाइज ये थी कूपर की ओरिजिन स्टोरी और उसके मोटे होने का कारण एंड ओमनीवर्स सीरीज में ना होने का सबसे बड़ी वजह। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आपसे फिर से कह रहा हूँ कि यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। तब तक के लिए बाय बाय।